हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई, मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं आज की क्लास में कक्षा 6 की विज्ञान का चैप्टर 11, जिसका नाम है हमारे चारों ओर की वायु, इसको मैं पढ़ाने वाली हूँ। इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर कवर कराऊंगी, और चैप्टर जो है ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया। अगर आपको पढ़ना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे लिखा होगा कक्षा 6 गणित। यहाँ पे सारी वीडियोज है, जो भी चैप्टर पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो कह रहा है वायु के संघटक क्या है। ठीक है, वायु के संघटक की बात कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वायु में कुछ जलवाष्प, धूल के कण, गैसें होती हैं। वायु में गैसें मुख्यतः मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की छोटी मात्रा और अन्य कई गैसें हैं। वास्तव में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हवा का 99% हिस्सा बनाते हैं। शेष 1% का गठन कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों, जल वाष्प और धूल कणों के द्वारा किया जाता है। तो वायु के संघटक क्या है, मतलब वायु जो है किन चीजों से मिलकर बनी। ठीक है, वायु जो है किन चीजों से मिलकर बनी है? तो वायु जो है उसमें जल वाष्प भी है, धूल के कण भी हैं, कई सारी गैसेस भी हैं, तो इन सब से मिलकर बनी है। तो अब हम इनकी मात्रा की बात करते हैं। तो जो वायु जो है उसमें 90, वायु का जैसे हर चीज का 100% होता है, 100% में से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर हमारा 99% पूरा कर देते हैं। बाकी बचा 1% में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी अदर गैसेज है। ठीक है, तो ये ही हमारा बताया गया है यहाँ पे। फिर इन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में कि वायु की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। वायुमंडल की कौन सी गैस जो है श्वसन के लिए आवश्यक है। श्वसन का मतलब सांस लेने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा वायु मंडल में ऑक्सीजन गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। तो हमारे लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है। मतलब हम कैसे सिद्ध करेंगे कि जो ज्वाला जलती है, मतलब आग जो लगती है, उसके लिए वायु आवश्यक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, एक जलती हुई मोमबत्ती को ट्रे में रखें जिसमें पानी हो, इसे कांच के जार से ढक दें। हमें क्या करना है? कांच के जार से इसको ढक देना है। पानी इसमें वायु की आपूर्ति को रोक लेगा। ठीक है, तो पानी से क्या होगा कि उसमें अब वायु जो है वो अब जा नहीं पाएगी। ज्वलन के दौरान, मतलब जलने के दौरान ऑक्सीजन का अवशोषण होता है। जब आग जलती है, आग वहीं पे जलती है अधिकतर जहां पे ऑक्सीजन होती है। तो जब ज्वलन होता है, आग जल रही होती है, वहां पे जो मोमबत्ती है वो जल रही होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वहां पे यूज हो रही होगी। क्योंकि जब आग लगती है तो ऑक्सीजन का यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, और मतलब वहां पे क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, और कुछ समय बाद क्या होता है कि जार के अंदर कोई भी ऑक्सीजन बचती नहीं है। ठीक है, जब कोई ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो जल नहीं पाएगी, तो लौ जो है वो बुझ जाती है। यह सिद्ध करता है कि वायु, या कह लो ऑक्सीजन, ज्वलन में सहायक होती है। ठीक है, वायु में भी क्या जलने में सहायक है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप यह कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है। मतलब हमको तो दिखती नहीं कि जल के अंदर वायु है, लेकिन हम कैसे इस चीज का प्रैक्टिकल करेंगे कि वायु जो है वो जल में घुली होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, कांच के बर्तन या बीकर में थोड़ा पानी लें। ठीक है, कांच के बर्तन में हमें क्या करना है? ठीक है, यहाँ पे हम आंसर डाल दो। ठीक है, कांच के बर्तन में या बीकर में थोड़ा सा पानी लें, इसे स्टैंड पर धीरे धीरे गर्म करें। फिर हमें क्या करना है, इसको धीरे धीरे गर्म करना है। फिर बर्तन की आंतरिक सतह को ध्यान से देखें। ठीक है, पानी के उबलने से पहले हवा के बुलबुले सतह से ऊपर की ओर उठने लगते हैं। ये बुलबुले पानी में घुली हवा के कारण बनते हैं। तो मतलब यही है, इन्होंने दिखाया, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो हवा के मतलब बुलबुले टाइप में उठने लगते हैं। ये बुलबुले इसीलिए उठ रहे होते हैं क्योंकि पानी के अंदर क्या होती है, हवा घुली हुई होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है हमारा पांचवा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है। मतलब रुई को जब हम जल में डालते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, थोड़ी सी रह जाती है। वैसे हमारी रुई जो होती है फूली हुई होती है, ऐसा लगता है बहुत सादी है। उसी रुई को हम जब जल में डाल देते हैं तो सिकुड़ जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, रुई के ढेर में हवा की पर्याप्त मात्रा होती है। तो हमारी रुई होती है उसमें कई बहुत सारी हवा भरी होती है। ठीक है,
जल में डूबने पर हवा का अधिकतर भाग जो है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है, और कुछ भाग जो है पानी द्वारा ले लिया जाता है, इसलिए यह सिकुड़ जाती है। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? जब हम पानी में उसको डालते हैं तो सारी हवा जो है उसकी निकल जाती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमसे कह रहा है, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत क्या कहलाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत जो होती है वो वायुमंडल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव, किस अवयव की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा, हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। आपने तो ये सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा, हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, और मनुष्य या कह लो जीव क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेड़ पौधों की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, किसकी आवश्यकता होगी उन्हें, कार्बन डाइऑक्साइड की। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है, 5 क्रियाकलापों की सूची बनाएंगे जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। तो 5 क्रियाकलाप बताने हैं जिसमें हमें पता चल जाएगी इसमें वायु है। ठीक है, जीव श्वसन के लिए, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैव नहीं होगा, जीव होगा। ठीक है, जीव श्वसन के लिए वायु का उपयोग होता है। फिर होता है, फिर दूसरा हमारा पॉइंट है, पौधे अपना भोजन तैयार करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, वो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, जो कहाँ, जो क्या, एक तरीके की वायु है। फिर वायु के उपयोग से पवन चक्कियों द्वारा बिजली का उत्पादन होता है। फिर वायु ईंधन और पदार्थों को जलाने में मदद करता है, मतलब वायु के कारण ही हमारे ईंधन और अन्य पदार्थ जलते हैं। फिर है वायु पौधों के बीज जो और परागों के प्रकीर्णन में मदद करता है, मतलब वायु से ही क्या होता है, बीज और उनका प्रकीर्णन होता है। ठीक है, और वायु नौकायन, नौकाओं, ग्लाइडर, पैराशूट और हवाई जहाज के उड़ने में मदद करती है, मतलब ये सारी चीजें जो उड़ती हैं और नौकाएं जो हैं वो तैरती हैं, वो वायु के कारण ही होता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9। नवा क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे और जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं, मतलब क्या है, वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। ठीक है, और ये कैसे हमारे पौधे और जीव जंतु एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो सीधा सा आंसर है, हमने इसका आंसर भी दे दिया है, फिलहाल पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा, पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, भाई पौधे हो या जानवर हो, ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जानवर सांस लेते हैं अर्थात वे ऑक्सीजन का सेवन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, जबकि पौधे क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान भोजन तैयार करते हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल में लौटा देते हैं। तो इस तरह वातावरण में गैसों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान लेना देना चलता रहता है। ठीक है, आदान प्रदान में पौधे और जानवर एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हमारा कंप्लीट पूरा चैप्टर। ठीक है, और ये रहा हमारा ऐप जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर में जोजस स्टडी डाल देना, तुरंत आ जाएगा। साथ में हमारे वीडियोस को, अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, कर लेना, वीडियो को लाइक करते जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम आपकी नई वाली जो विज्ञान है उसको शुरू कर देंगे। ठीक है, जिज्ञासा विज्ञान, विज्ञान जिज्ञासा जो भी नाम है उसको हम जल्दी शुरू कर, जल्द क्या, अब नेक्स्ट क्लास जो है हमारी विज्ञान की वही आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ठीक है।